हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक महिला का शरीर कब और क्या साइन देता है कि वो अब माँ बन सकती है। बात करेंगे हम आज ओव्यूलेशन के सिम्टम्स की। बहुत सारी महिला इन चीजों से अनजान है, बहुत समय से ट्राई करती है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सटीक जानकारी का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मुझे डेली बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैम मेरा पीरियड इस टाइम था तो मुझे ओव्यूलेशन कब होगा डेली। हालांकि मैं ओव्यूलेशन पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ कि पीरियड किस तरह से है, तो आप ओव्यूलेशन कैसे जानेंगे किस तरह से, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या लक्षण अपने शरीर में नोटिस करके कैसे जान सकती हैं कि आप मां बनने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा ग्लांस लेंगे कि पीरियड कि किन दिनों में हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें ताकि चीजें बहुत आसान हो जाए। तो अगर आपका पीरियड 30 दिन का है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपका पीरियड 30 दिन का है तो पीरियड के पहले दिन से 10 दिन, फिर बीच के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन, तो जो तीन पार्ट हमने किए अपने पीरियड साइकिल के उसका सब बीच वाला हिस्सा होता है। इस तरह से आप अपने पीरियड साइकिल का भी, आपका जितने भी दिन के साइकिल है उसको तीन हिस्सों में आप डिवाइड करें और जो बीच वाला पार्ट आता है उस दौरान ही आपको ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है। तो अब वो समय है कि जब आप बताए गए सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें। सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज आपका बदल जाता है और वो बहुत ही खास लक्षण है कि अब एग रिलीज होने वाला है, अगले कुछ घंटों में एग रिलीज होगा। वो वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है, जैसे कि एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है कच्चे में बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लेकिन चिपचिपा, बिल्कुल आप ऐसे हाथ में लेंगे तो एक थ्रेड सी बनेगी, इस तरह का चिपचिपा सा एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज जो कि हमेशा के डिस्चार्ज से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऐसा आपको डिस्चार्ज नोटिस होगा। दूसरा सिम्टम है इंक्रीज्ड लिबिडो। इंक्रीज्ड लिबिडो का अर्थ है कि जो सेक्सुअल डिजायर होती है, हालांकि हार्मोन्स बॉडी को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारी जो सेक्सुअल डिजायर होती है बढ़ जाती है। अगली चीज है हमारे बॉडी में, ब्रेस्ट में, निपल्स में थोड़ा सा टेंडर फीलिंग, थोड़ी सी सोर फीलिंग आ सकती है, ये भी चीज नोटिस की गई है। इसके अलावा हमेशा एग या तो लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा, एक बार में एक ओवरी से ही एक एक रिलीज होता है, तो आपको किसी एक साइड में लोअर एब्डोमेन में आपको या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में हल्का सा माइल्ड पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। अगर आप ये नोटिस कर पाते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बहुत खास लक्षण बताया, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन वो सब में नहीं मालूम पड़ती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बताती हैं कि बिल्कुल आप अब रेडी हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको एग रिलीज हो सकता है और होने वाला है और आप जल्दी ही कंसीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए यूट्यूब सहेली के साथ पे, देखते रहिए जानकारी से भरे वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें, और सवाल पूछने से पहले एक बार प्लेलिस्ट को जरूर व्यू करें क्योंकि हो सकता है जो आप पूछना चाहते हैं उस विषय पर मैंने कोई वीडियो बना रखा हो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें क्योंकि वहां मैं ओव्यूलेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और यूजफुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट डालती हूँ, तो आप वो जरूर देखें। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।